नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। आप पीछे देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में, भाई साहब टाटा कंपनी ने दोबारा से लठगाड़ दिए हैं। हालांकि अगर बात करें रतन टाटा की, काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक अभी बीता भी नहीं है और उससे उसकी जो सेलिब्रेशन है अब तक चल रही है। मैं आपको दिखा दूँ जिस प्रकार से आप पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पर, अल्ट्रोज नाम से स्पेशल एडिशन निकाल रखा है कंपनी ने, द गोल्ड स्टैंडर्ड करके, और उन खिलाड़ियों को स्पेशल जो ब्रोंज के पास जिनके हासिल होता होता रह गया उसे गोल्ड देने जा रही है टाटा कंपनी। जी हाँ, चर्चा करेंगे आज। पूजा बोरा भिवानी की शान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके मुक्के से विदेशी पहलवान चित हो जाते हैं। क्या कहेंगे पूजा, आज इतनी बड़ी खुशी है, गोल्ड तब तो नहीं मिला लेकिन आज आपने मौका नहीं चुका है। देखिए, टाटा मोटर्स ने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट की है। ये सच में बहुत ही अमेजिंग कार है। और हाँ, ओलंपिक में मेरी मेडल बाउट थी जो कि मैं मेडल नहीं ले पाई थी, और अभी जो टाटा मोटर्स ने ये जो गिफ्ट हमें दिया है, हाँ, इससे काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिलेगा। और मुझे ही नहीं, मुझे देख के आगे जो आने वाले प्लेयर्स हैं, जो युवा पीढ़ी होगी, उनको वो भी इससे इंस्पिरेशन उनको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है ये। पूजा, बात करेंगे जिस हिसाब से मनोबल टूट भी जाता है कई बार, पीछे एक दो खिलाड़ी की ऐसी चर्चाएँ भी आई कि मेडल से चूक गए, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड तक का कदम उठा लेता है, तो कैसे मैनेज करना होता है? और एक कदम चूकी आप, नहीं तो आज भिवानी के हिस्से भी एक मेडल होता और एक मेडल और हरियाणा और भारत के नाम लिखा जाता। तो आज कंपनी ने एक अच्छी पहल की है, वो गोल्ड नहीं मिला लेकिन ये गोल्ड कलर की गाड़ी आपको जरूर मिल रही, इसके बारे में। देखिए, दुख जरूर होता है क्योंकि हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो ऑब्वियसली दुख होता है इसमें। और अगर हमें फिर भी इतना मान सम्मान मिल रहा है, हमारे जो इंडिया वाले इतना हमें प्यार दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स ने हमें गाड़ी गिफ्ट की है, तो कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि हाँ, हमें इतना प्यार मिल रहा है तो हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं, जीतने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनको हर कोई अपने सर माथे पर, अपनी आंखों पर बिठा लेता है, पलकों पर बिठा लेता है, लेकिन हारने वालों को कोई याद नहीं करता। और आज ये पहली कदम बढ़ाया है टाटा कंपनी ने, पहला कदम बढ़ाया है। हारने वाले खिलाड़ियों की चर्चाएं हर पार्टी करती है। आज बीजेपी ने बड़े बड़े करोड़ों रुपए बांटे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि हारने वालों को भी तो संभाल लो, वो भी तो देश के लिए ही लड़े थे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और कंपनी ने अच्छी पहल की है, हारने वालों का भी सम्मान कर रही है, जीतने वालों का तो हर कोई करता है। देखिए, पिछले मैं 3 ओलंपिक से मैं देखती आ रही हूँ, उससे पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 ओलंपिक से मैंने देखा है कि जो हार जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता है, और जो जीतते हैं हाँ उनको ही पूछा जाता है। और अब इस बार ये हो रहा है कि गवर्नमेंट भी देख रही है और भी काफ़ी लोग, जैसे टाटा मोटर्स ने देखा, जो भी ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे उनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है। जी, तो अब अगला कदम, क्योंकि अब फिर से आपको मान सम्मान मिला है, इतना प्यार मिला है इंडिया से, आने वाला मुक्का गोल्ड के लिए बरसेगा फिर। हाँ जी, अभी जो है दिसंबर में मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है और ज़रूर मैं उसमें गोल्ड लेके आऊँ। आज नया परिवार मेंबर, क्योंकि इंडिया में गाड़ी लेना बड़ी बात होती है, नया मेंबर आ रहा है और एल्डर सिस्टर हैं। पूजा की क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज ये टाटा मोटर्स की साइड से हमें ये नई गाड़ी मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। बहन ने नाम चमका दिया और उसके साथ साथ एक नई चमक घर में जा रही है। और छोटी बहन के बारे में क्या कहना चाहेंगी, इतना नाम रोशन कर दिया इंडिया में आप? इनके लिए ओलंपिक में जाना ही बहुत बड़ी बात है, और इतना किया बहुत अच्छा लग रहा है, और इस टाटा मोटर्स ने ये मतलब इसके बारे में बहुत खुशी। जी जी, हम बात करेंगे, थोड़ी सी हेजिटेशन हालांकि होती है, महादेव मोटर्स के एमडी हैं हमारे साथ जितेंद्र मोर, इनसे जानेंगे आज कितनी खुशी है, कितनी अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो जो कि हारे हुए खिलाड़ियों का भी सम्मान करना जानती है। सबसे पहले तो मैं पूजा बोरा को बधाई दूंगा, इस लड़की ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। मेडल से भले ही चूक गई, लेकिन टाटा कंपनी ने जो मेडल से चूके हैं खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों के लिए एक छोटे से मेडल की, हम छोटा सा ही कहेंगे क्योंकि खिलाड़ियों की शान बहुत बड़ी है, और उसके लिए एक छोटे से मेडल की अल्ट्रोज गोल्ड स्टैंडर्ड जो दिया है, उसके लिए कंपनी भी को भी धन्यवाद है, और खिलाड़ियों को इससे मोटिवेशन मिलता है आने वाले समय में, और नए खिलाड़ी भी इसे मोटिवेट होकर और बेटर करेंगे उसमें।
जी आज जिस हिसाब से पूजा का परिवार खुश है, आने वाले वक्त में भी क्या मानते हैं, जिस हिसाब से खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है और टाटा आने वाले वक्त में कदम बढ़ाएगी खेलों के साथ या खिलाड़ियों के साथ? हाँ बिल्कुल, टाटा कंपनी भी खिलाड़ियों के साथ कदम बढ़ाएगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं स्वयं महादेव मोटर्स की ओर से आश्वासन देता हूँ, जो खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं वो मेडल लाए नहीं लाए, अगर मेरी डीलरशिप पर कोई आता है, मेरी डीलरशिप गोहाना में, चरखी दादरी में, जींद में है, भिवानी में है, किसी भी मेरे डीलरशिप पे आता है टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे, तो उनके लिए सम्मान, पूरा सम्मान किया जाएगा, उनका मान सम्मान रखा जाएगा और उनको आम कस्टमर से हटके मैं डिस्काउंट भी दूंगा। जी देखिए, बड़ी अभी घोषणा रतन टाटा करें ना करें आगे से, लेकिन आज जितेंद्र मोर ने बड़ी घोषणा कर दी, आने वाले वक्त में अगर कोई भी यहाँ से स्पेशल डिस्काउंट पर खरीद सकता है खिलाड़ी ओलंपियन जो भी इनकी एजेंसीज पर आता है, तरुण मोर जी हैं और तरुण दैया जी, सॉरी तरुण जी, क्या कहेंगे एक खिलाड़ी को टाटा ने स्पेशल अल्ट्रोज ही क्यों दी? और मैं बता दूं तरुण जी स्पेशल संभालते भिवानी की महादेव मोटर्स को, यहाँ के मैनेजर हैं, तो क्यों स्पेशल अल्ट्रोज ही चुनी इन खिलाड़ियों के लिए और गोल्ड स्टैंडर्ड वो भी? सर अल्ट्रोज द गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि टाटा मोटर्स का, टाटा रतन टाटा जी का ये कहना है कि अल्ट्रोज टाटा की गोल्ड स्टैंडर्ड कार है और ये खिलाड़ी जो गोल्ड नहीं ला पाए, जो मेडल नहीं ला पाए, ये भी हमारे लिए गोल्ड के बराबर हैं। टाटा मोटर्स की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग देती है अल्ट्रोज, जो अपनी क्लास में सबसे बेस्ट है। इसके बाद मिनिमम इसका मेंटेनेंस रहता है, वैल्यू फॉर मनी कार है। अब इस कंपटीशन में किसी भी गाड़ी के देखते हैं सबसे सस्ती गाड़ी यही है, प्रीमियम हैचबैक में। हार्मन का इसमें म्यूजिक सिस्टम दिया गया है विद JBL स्पीकर्स। दी बेस्ट कार है, गोल्ड स्टैंडर्ड है एंड इक्वल टू गोल्ड है। और एक नया फीचर इसके साथ और जुड़ गया, एक नया नाम जुड़ गया पूजा रानी बोरा का, और उन 24 बॉक्स खिलाड़ियों का, चाहे किसी भी गेम से आते हों, एक नया फीचर जुड़ गया। यूँ कहेंगे लोग हिंदुस्तान में खरीदने वाले कि अल्ट्रोज वो गाड़ी है जिसे ओलंपियन चलाते हैं, जिसे पूजा जी भी चलाती हैं, भिवानी वाले यही बोलेंगे जिसे पूजा जी भी चलाती हैं, अल्ट्रोज वो गाड़ी जी। तो स्पेशल जिस हिसाब से मोर साहब ने कहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी ओलंपियन यहाँ से आता है या दूसरी एजेंसी पर जाता है तो स्पेशल सम्मान रहेगा ओलंपियन का या खिलाड़ियों? जी बिल्कुल, स्पेशल सम्मान रहेगा। आज तक जो भी हम बेस्ट कर पाए हैं वो किया है और फ्यूचर में हम इससे भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जी तो आप इस वीडियो को शेयर करें और देखें किस हिसाब से खुशियाँ बरसी हैं आज उन ओलंपियन खिलाड़ियों के घर में, जिस हिसाब से वो सोच करके गए थे कि उनके घर में गोल्ड आएगा टोक्यो से, और ओलंपिक में गोल्ड तो ना ला पाए वो, हालांकि फाइट और बाउट उनकी जबरदस्त रही, लेकिन गोल्ड कार जरूर आ गई और टाटा कंपनी ने ये कर दिखाया। स्पेशली आप इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि देश के खिलाड़ियों के सम्मान के लिए टाटा कंपनी ने जिस हिसाब से बेहतरीन ये तोहफा दिया है, ये गिफ्ट दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।